तो हेलो गायस, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गायस, आप लोग देख रहे थे इस गाड़ी में हम लोग एलईडी फिटिंग करने वाला है। तो इस गाड़ी का नाम है तो एक्टिवा, होंडा एक्टिवा 3G। तो आप लोग देख रहे थे बहुत ही पुराना गाड़ी है, तो इसका जो हेडलाइट का पावर है बहुत ही कम है। तो इसको मैं किस तरीके से हम लोग एलईडी बल्ब फिटिंग करने वाला है तो वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गायस, आप लोग देख रहे थे एक्टिवा 3G है। तो देख रहे ये हैलोजन लगा हुआ था, तो इसमें पावर कम था, तो इसको हम एलईडी लगाना होगा। और किस तरह से एलईडी लगाना होगा तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसको एलईडी लगाने से आपको एसीडीसी करना होगा, एसीडीसी कनेक्शन नहीं करने से आपका बल्ब को फ्यूज जाने का चांसेस रहता है। तो ठीक है, आप लोग देखते रहे मैं किस तरह से एलईडी को फिटिंग करता हूँ। तो गाइस, ये रहा एलईडी बल्ब हम लोग का, इसको हम लोग को फिटिंग करना होगा। इसको ऐसे डायरेक्ट लगाने से फ्यूज चला जाएगा ये बल्ब टू, जिसकी वजह से हम लोग को एसीडीसी करना होगा। तो एसीडीसी किस तरह से करना होगा तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो गैस, पहले आप लोगों को इस हैलोजिंग बल्ब को इसमें से निकालना होगा। निकाल के तो आप लोगों को जो इस हैलोजिंग बल्ब को गाड़ी में फिट करना होगा। तो फिट करने के बाद तो इसका वायरिंग किस तरह से करंट आ रहा है उसको आप लोगों को पहले चेक करना होगा, जो ये बल्ब वर्क कर रहे कि नहीं, ठीक है। तो इसमें से आगे आपको चेक करना होगा, तभी आप एलईडी लगाओ। चल गया आप लोग देख रहे हैं बाल पूरा का पूरा चल गया है। तो ये दोनों तार से हम लोग का करंट आ जाता है। पहले आप लोगों को इस हेडलाइट स्विच को खोलना होगा। हेडलाइट स्विच को खोल के आप लोगों को दिखाना होगा, जो इधर में जो दो रेड वाला वो रहता है, क्लिप रहता है, इसमें आप लोग चेक मत करिएगा। आप लोग इस व्हाइट वाला जो पीला वाला तार आता है इसमें करंट आता है, जो इसका एसी कारण इधर से आता है। तो गैस, पहले आप लोगों को गाड़ी स्टार्ट कर लेना होगा। तो स्टार्ट करने के बाद आप लोग को देखना होगा जो किसी तार में करंट आ रहा है, इस तरीके से फायरिंग करके आपको चेक करना होगा किस तार में करंट आ रहा है, इनपुट करंट आ रहा है, ठीक है। तो मैं चेक करने के बाद तो मेरे को मिल गया जो पीला कलर जो तार है, तो इसी तार में इनपुट करंट आ रहा है। तो इस तार में कहाँ से आ रहा है मैं आपको बोल रहा हूँ, जो रेगुलेटर से डायरेक्टली आ रहा है इनपुट करंट। तो इस स्विच बोर्ड मतलब क्या, हेडलाइट का स्विच में, ठीक है। तो इधर से जो एक व्हाइट वाला तार है हेडलाइट क्लिप में, पीला और व्हाइट वाला जो तार है क्लिप में, व्हाइट वाला क्लिप में जो पीला कलर तार में इनपुट करंट आ गया, और व्हाइट वाला तार में इनपुट लाइन उधर से चला गया जो अपर डिपर स्विच में, ठीक है। तो उसी तरीके से आप लोगों को इसको लगाना होगा। तो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को जो कौन सा तार कट करना होगा, जो तार में लाइन आ गया है वही तार को आप लोगों को कट करना होगा। तो एक ही तार कट करना होगा और ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। एक ही तार कट करके आपको हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं मैं किस तरीके से कट रहा हूँ, तो इसी तरीके से आप लोग भी कटना होगा। और जो क्लिप जहाँ पे शूज़ में क्लिप जो लगा रहता है उधर में आपको छीलने होगा, वो उस तरफ में मत छीलिएगा, ठीक है। तो इधर में आपको एक्स्ट्रा शूज जो चाबी शूज से आता है इधर में आपको देना होगा। चाबी शूज में जो एक काला वाला तार है तो उधर से आपको इधर में एक तार ज्वाइन करना होगा, जो पीला वाला में जो कट किया हमें अभी छीला है। तो आप लोग देख रहे हैं जो रेड वाला जो तार है चाबी शूज का, इधर में इनपुट करंट डायरेक्टली आ गया है जो बैटरी से आता है। आप लोग देख रहे हैं जब मैं फायरिंग करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देख रहे फायरिंग कर रहे, मतलब रेड वाला तार में डायरेक्टली लाइन स्विच बोर्ड में आ गया है। तो हम लोग को देना होगा वो काला तार में, तो चाबी ऑन करने के साथ, तो चाबी ऑन करने के साथ ही साथ तो काला तार में करंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्लिप तो खोल के अभी हम लोग उस काला तार में अभी हम लोग उसको तार तो लगाने वाला हो, आप लोग देखते रहे छिल रहा हो और किस तरह से लगा रहा हो आप लोग देखते रहे। तो तार तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा करके छील के आप लोग इस तरीके से घुसाना होगा। तो उसके बाद क्लिप तो आप लोग जोड़ देना, चाबी शूज का क्लिप है एक, अच्छे तरीके से जोड़ देना होगा आप लोगों को। तो मैं जोड़ दिया है, अभी इस तार को मैं जहाँ पे छीला था उस तार को लगाना होगा। तो चाबी ऑन करने के साथ ही साथ इस काला तार में करंट आ जाएगा, अगर चाबी ऑफ करेगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो गैस, तो इसमें हम जो छीला था तो इसी तार में अभी हम ज्वाइन करने होगा, उसके बाद हम लोग का हेडलाइट स्विच तो लगाना होगा।
मैं लगा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो गैस आप लोग देख रहे हैं मैं किस तरह से शूज फिटिंग कर रहा हूँ, तो आप लोग भी आप लोगों को भी इस तरह से फिटिंग करना होगा। और चाबी ऑन करने के साथ ही साथ हेडलाइट जब ऑन करेगा तो लाइट जलने लगेगा, तो मतलब एसीडीसी कनेक्शन पूरा का पूरा सही हो चुका है। तो इसी तरह से आप लोग को भी एसीडीसी कनेक्शन करना होगा। तो मैं किस तरह से किया आप लोग को थोड़ा सा भी मालूम हो गया शायद, तो और थोड़ा देख लीजिए पूरा दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो की स्किप मत करेगा, वीडियो का पूरा एंड तक देखिएगा तो भी आप लोगों को कुछ मालूम आ जाएगा। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं चाबी स्विच से हम लोग काला तार से हम लोग एक मेन तार को करंट को इधर में डाल दिया है, जो हेडलाइट का क्लिप रहता है पीला वाला में, पीला वाला काट के इधर में जॉइन कर दिया है। तो इसको टैप मार के अभी इसमें स्विच में घुसा देगा तो स्विच ऑन करने के साथ ही साथ तो LED बल्ब जलने लगेगा। तो इसको हम AC DC कर दिया है, इसको खोल देने से भी टेंशन नहीं है। अभी LED बल्ब तो लेके आओ, LED बल्ब तो लेके आओ। अभी इस तरह से आप लोग डायरेक्ट इधर में डायरेक्ट अभी LED बल्ब घुसा के आप लोग हेडलाइट दे सकोगे, हेडलाइट सुस्त लगा था तेरे नहीं देना उधर तोलते लगा तोलते हाँ। चाबी ऑन करो, अब हेडलाइट दो, देख रहे गाइस अब जल गया है, देख रहे कितना पावर है। आप आधी बार कर हेडलाइट ऑन कर सर पावर। तो गाइस इस तरह से हम लोग LED बल्ब को फिटिंग करते हैं, इसके अंदर में एक फैन भी रहता है AC, तो हवा मारता है इसको, बल्ब तो गर्म होने से इसको ठंडा भी कर देता है। तो इसको घुसाओ, क्लिप टू घुसाओ, बड़ा फानी है। हम लोग का वीडियो जो देखेगा उसी को मजा आ जाएगा, जल्दी से काम सीख जाएगा। बोल चुका है तो इसके कारण है, तो इसका अंदर में एक्सटर्नल केबल और ब्रेक केबल चेंज किया है। आप लोग देख रहे हैं ब्रेक केबल है, तो एक्सटर्नल केबल भी इसको हम लोग नया डाल दिया है, देख रहे हैं ये वाला। इसका वजह से ये गाड़ी पूरा टुकड़ा हम लोग खोल दिया है, हॉर्न कास्टिंग वगैरह वगैरह और हेडलाइट भी और सारे का सारे। मालिक और अपना गाड़ी को साफ कर रहे हैं, बिगल पर मुख तो घुरा सो बस इसको देख ले। तो गाइस एक्टिवा 3G का हम लोग AC DC करके LED बल्ब फिटिंग कर दिया है, अभी हम लोग चेक करेंगे। तो इसको चाबी ऑन कर दिया है, अब हम इस चेक करेंगे। तो गाड़ी स्टार हो गया है, गाड़ी स्टार हो गया है, तो अभी हम लोग हेडलाइट स्विच टू ऑन करेंगे। आप लोग देख रहे हैं पूरा का पूरा पावर आ चुक गया है।
गाइस, एलईडी बल्ब है इस तरीके से व्हाइट वाला चलते रहेगा। आप लोग आगे में देखा रहे, आप लोगों को पावर देख रहे हैं। इसके वजह से इसका जो हैलोजिंग बल्ब था उसके वजह से भी पावर नहीं दे रहा था, और एलईडी लगाने से और ज़्यादा देगा हैलोजिंग से। तो ग्लेजिंग तो खराब हो चुका है, इसके वजह से पावर नहीं दे रहा था, और हैलोजिंग लगाने से मालूम ही नहीं चलता रात को जो गाड़ी हम लोग चला रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से बंदा ने तो इसको एलईडी लगा दिया है। तो आप लोग देख रहे हैं गाड़ी अभी पूरा प्रॉपर तरीके से ठीक हो चुका है अभी, तो इसको मैं ट्राई करके देख रहा हूँ।